Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of 9th class. This is me Muhammad Farhan Saeed. Start karte hain beta aaj ka lecture number 23. Last time hum logon ne start kiya tha substitution cipher method. Ke ye jo method hai wo hamare course mein do hain. To beta ye mushkil nahi hai, bada interesting topic hai. Aapne thoda sa matlab isme interest lena hai aur ye like a gaming activity hai. Aap ise keh sakte ho. इसमें जो कन्वर्जन ऑफ डाटा है वो हमने करनी है. मींस हमने ओरिजिनल डाटा जो हमारा हम जिसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं उसको एक स्क्रम्बल्ड यानी कि अदर डाटा में अदर फॉर्मेट में हम लोगों ने चेंज कर देना है. वो हमारा क्या होगा, वो हमारा साइफर टेक्स्ट होगा. वो साइफर टेक्स्ट किस वजह से बनेगा, देखें हम एक की यूज करेंगे. उस की की मदद से क्या होगा, वो जो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो सेंडर और रिसीवर जो हमारे ऑथेंटिक यूजर होंगे, जेन्युइन यूजर होंगे, उनके पास एक्चुअल डाटा की एक्सेस हो सकेगी. जो जब हमारा डाटा एक लोकेशन से दूसरी जगह पे जा रहा है ओवर द मीडियम, तो दरमियान में अगर वही डाटा हैकर को मिल जाता है, अब होगा क्या, हैकर के पास बेसिकली वो ओरिजिनल जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था वो नहीं उसको मौसूल होगा. उसके पास क्या आ जाएगा, हमारा साइफर टेक्स्ट. सबसे पहले साइफर टेक्स्ट हम बनाएंगे तो देखें वो साइफर जो टेक्स्ट होगा वो बेमाइनिंग होगा, एक्चुअल डाटा नहीं होगा. एक्चुअल डाटा वो क्या है उसका, यानी कि साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए की का मौजूद होना जरूरी है. वो जो की, वो जो प्रोसेस सिस्टम, की बेसिकली क्या है, प्रोसेस होता है. प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, जिसके थ्रू आपने एक्चुअल डेटा को अदर फॉर्मेट में रिप्लेस किया. अब इसको हम पढ़ते हैं सीजर साइफर, कि ये सीजर एक क्या था, रोमन पॉलिटिशियन था और मिलिट्री जनरल भी था, हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द राइज ऑफ रोमन एम्पायर. वो जो रोमन रियासत थी उसके यानी के खड़ा होने में एक मेन रोल इन्होंने अदा किया था. तो ये क्या करते थे बेसिकली, इस जो वे को, एक तो इसका जो नाम है ना साइफर सीजर, ये इसके नाम पे इस मेथड का नाम रखा गया. और सीजर यूज दिस मेथड ऑफ इंक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेजेस. क्या करता था सीजर, इस्तेमाल करता था ये जो इंक्रिप्शन का मेथड है हमारा, इसको किस लिए इस्तेमाल करता था, सेंडिंग मैसेजेस, मैसेज पैगाम भेजने के लिए टू हिज सोल्जर्स एंड जनरल. अपने जो इसके सिपाही थे, जो जनरल थे, जो इनके यानी कि मिलिट्री के अफसरान थे, उनको ये डाटा सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए सीजर साइफर का इस्तेमाल करते थे. अब देखें चले ये सारी बातें हो गई. जो दिस इज द रीजन फॉर कॉलिंग दिस मेथड एज अ सीजर साइफर. ये वो वजह है जिसके वजह से हम इस मेथड को क्या करते हैं, सीजर साइफर कहते हैं, क्योंकि उसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था. अब इस मेथड के अंदर वो लॉजिक क्या है जिसको हम इस्तेमाल करके डाटा को महफूज हालत में ले जा सकते हैं ओवर द मीडियम. इन दिस मैथड वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट. इस मैथड के अंदर हम हर एक अल्फ़ाबेट जो आप क्या, ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, हर एक अल्फ़ाबेट को आप रिप्लेस करोगे, तब्दील करोगे इन द प्लेन टेक्स्ट जो आपके प्लेन टेक्स्ट में मौजूद होंगे. मतलब प्लेन टेक्स्ट कौन सा होता है, आपका एक्चुअल डाटा जो आपने असल मैसेज सेंड कर रहे हो वो वाला आपका प्लेन टेक्स्ट होगा. उस प्लेन टेक्स्ट के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे आप उन अल्फ़ाबेट्स को अनदर अल्फ़ाबेट्स के साथ चेंज करोगे. द रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इन सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उनके थ्रू आप लोग क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे. मिसाल के तौर पर टू द लेफ्ट और राइट, आप लोग क्या करोगे, या लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से ऑफ ओरिजिनल अल्फाबेट इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स. आप जो ओरिजिनल अल्फाबेट्स होंगे उनके सीक्वेंस में या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से कुछ अल्फाबेट्स को रिप्लेस कर दोगे. किस तरह रिप्लेस कर दोगे, ये आप एग्जांपल दे रहा है कि सीजर को आप थ्री करेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फाबेट. मतलब ये कि जो आपके सामने इंग्लिश के जो 26 अल्फाबेट्स हैं, ये आपको इनिशियल अल्फाबेट्स के तौर पर हमने लिए हैं, यहाँ पे इनको लिख के दिखा दिया. अब क्या करना है, यहाँ पे थ्री करेक्टर सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी है. मीन्स थ्री करेक्टर सब्स्टिट्यूशन वो होती है कि आप लोग या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से
तीन अल्फाबेट्स पहले फर्स्ट तीन अल्फाबेट्स को पकड़ोगे और उनको रिप्लेस कर दोगे। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ जी कहाँ तक जेड तक। अब ये हमारी है इनिशियल अल्फाबेट। जब हम लोग इसमें इंक्रिप्शन का अमल परफॉर्म करेंगे, मतलब इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स कौन से होंगे हमारे, वो एक न्यू पैटर्न बनेगा। ये जो पहले तीन अल्फाबेट्स थे ए बी सी, इनको हमने रिप्लेस कर देना, क्योंकि हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन के अमल के दौरान हमने अपने एक्चुअल जो हमारे जो सीक्वेंस होगा, एक्चुअल जो डाटा होगा, एक्चुअल जो वर्ड होगा, उसको रिप्लेस कर देना अदर अल्फाबेट्स के साथ। अब वो अदर अल्फाबेट्स के साथ रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास दो तरीकाकार है, एक थ्री कैरेक्टर रिप्लेसमेंट, दूसरी फाइव कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। तो ये जो एग्जांपल है ये थ्री कैरेक्टर रिप्लेसमेंट से हो रही है कि आप लोगों ने तीन कैरेक्टर को ए बी सी इन तीन को उठाना है और इनको रिप्लेस कर देना कि ए को ले आना आपने जेड की जगह पे, बी को वाई की जगह पे, सी को आप कहाँ लिया है, नहीं ए को मतलब आप लोग एक्स की जगह पे। अब मतलब यहाँ से आपका ये डाटा इस तरह इस वे में आके ये डाटा यहाँ से ट्रेवल करेगा और इस लोकेशन पे आके ये सेव होता जाएगा। अब जो पहले से यहाँ पे जो डी था वो डी ए की जगह पे आ गया, जो ई था वो बी की जगह पे आ गया, जो एफ था वो सी की जगह पे आ गया। मीन्स जो आपने जगह खाली की थी, जो आगे फर्दर आपका डाटा था वो प्रीवियसली डाटा की जगह पे आ गया। अब होगा क्या, विद इन दिस सब्स्टिट्यूशन स्कीम, इस जो आपकी सब्स्टिट्यूशन स्कीम जो बनी है द प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान, अब ये आपने एक मैसेज भेजा उसमें लिखा पाकिस्तान, वुड बी इनक्रिप्टेड इन टू द साइफर टेक्स्ट एस डी एन एल डब्ल्यू वी डी क्यू। मतलब ये किस तरह कि जब आप ये इंक्रिप्शन जो होगी, इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि हमारा प्लेन टेक्स्ट असल टेक्स्ट है पाकिस्तान, अब उसको हमने जब भेजा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास तो वो तब्दील हो जाएगा किसमें, इंक्रिप्शन के अमल की वजह से इन अल्फाबेट्स में। वो किस तरह तब्दील होगा, देखिए आप लोगों ने जो इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स बनाए थे ये वाले, इस तरह होता है कि आपका जो एक्चुअल डाटा है ये था हमारा प्लेन टेक्स्ट इनिशियल अल्फाबेट्स, यहाँ से हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट आया पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के लिए अब यहाँ पे पी है, ये ए के जितने भी वर्ड, मतलब इनमें से आप लोगों ने ये जो आपके कीबोर्ड के ऊपर ये अल्फाबेट्स मौजूद थे इनिशियल, यहाँ से आपने एक लफ्ज लिखा पाकिस्तान मैसेज के अंदर। अब उस पाकिस्तान का जब आप लोग सेंड करोगे तो सेंड करने से पहले क्या होगा, देखिए हमने जब सिंपल इंक्रिप्शन का जो डेफिनेशन पढ़ी थी ये वाली कि आपका प्लेन टेक्स्ट आया उसके ऊपर इंक्रिप्शन होगी, इंक्रिप्शन से क्या होगा वो साइफर टेक्स्ट में तब्दील होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वही इसके ऊपर इंक्रिप्शन का अमल परफॉर्म करेंगे सेंड करने से पहले। कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि आपका जो डाटा था पी जब वो आएगा मीडियम के ऊपर ट्रेवल यानी कि ट्रांसफर के अमल में आएगा तो वो पी जो है इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स की जो आपका सीक्वेंस है इसमें चेंज होगा, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अब हम देखें पी के नीचे क्या है आपका सेम ये एस है कि अब आप लोगों ने क्या करना है, इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स हैं उनके साथ ही जो हमारा एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट था उनके अल्फाबेट्स को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से हमारे पास ये एक न्यू वर्ड आ जाएगा, ये वो वर्ड होगा, ये वो अल्फाबेट्स होंगे जो हमारे इंटरनेट पर जब हमारा डाटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर होगा तो मीडियम में ये डाटा नजर आएगा। मीन्स अगर हैकर इस मैसेज को चुरा लेता है तो उसको एक्चुअल जो आपने पैगाम भेजा था पाकिस्तान ये नजर नहीं आएगा, मतलब उस मैसेज के अंदर क्या कंटेंट से लिखा है, क्या मकसद है आपका, क्या पैगाम आपने भेजा है, असल पैगाम को वो स्टील करने से चुराने से क्या रहेगा उससे, मतलब उसको एक्सेस नहीं होगी असल मैसेज की। उसके पास एक स्क्रैम्बल्ड फैला हुआ डाटा जो ना समझ आने वाला एक डाटा उसको मौसूल होगा, जिससे वो क्या होगा आपके मैसेज को तो चुरा लेगा लेकिन उस मैसेज के अंदर पैगाम क्या सेंड किया उसको वो उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सकेगा। इसलिए वो जो सीजर था वो ये माल अपने यानी कि मैसेज को सेंड करने के लिए ये तरीकाकार अपनाता था कि जो असल मैसेज है उसका जो कोड था बेसिकली उसके सिपाहियों को मालूम होता था, वो उस मैसेज के अंदर कुछ और लिख के भेजता, डाटा कुछ लिखा हुआ और होता था लेकिन उसका मतलब कुछ और होता था। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह ये पाकिस्तान वर्ड आप लोगों ने सेंड किया, अब इधर देखें ये हमारा है वो जो हमारी इनिशियल अल्फाबेट्स हैं वो ये वाली लाइन है, ये आपकी इनिशियल अल्फाबेट्स हो गए,
और ये आप समझ लें आपके जो इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स हैं वो ये वाले हैं ये सारे। अब होगा क्या, यहाँ पे जो आपका जो पाकिस्तान का पी है, देखें पी के नीचे क्या है सामने आपके उसका एस, तो पी किससे रिप्लेस हो जाएगा एस के साथ, तो यहाँ पे आ गया हमारा एस। देन आपका जो ए है ए रिप्लेस होगा डी के साथ, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर आपका के, के के साथ नीचे क्या है यानी कि सी, सी यानी कि के आप देखोगे इधर, के नीचे क्या आ रहा हमारे पास एन, तो इस तरह ये एन में तब्दील होगा। और अप टू स्वान आपके जिस तरह लास्ट वर्ड आपका क्या है एन, तो एन आपका किस में चेंज हो रहा है क्यू, यहाँ पे आपका आएगा क्यू। तो ये आप लोग मतलब कि वर्ड की फाइल में सारी ये कन्वर्जन करके देख लेना, ये आपको समझ आ जाएगी कि ये जो न्यू वर्ड हमारे पास आया है, देखिए एस डी एन एल वी डब्ल्यू डी क्यू, तो बेटा ये इंक्रिप्शन के अमल से आया, सब्स्टिट्यूशन से आया, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया मीन्स तब्दील कर दिया असल जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था उसको इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स के साथ। अब अगर हैकर डाटा चुरा लेता, मैंने आपको बात बताई कि जो आपका असल एक्चुअल जो मैसेज था वो उसको हासिल नहीं हो सकेगा। तो आज आपका सिर्फ यही जो हमने थ्री अल्फाबेट्स के साथ रिप्लेसमेंट वो देखी है, आज आपने क्या करना है ये सीजर ये जो कंप्लीट इसको लिखना भी है विद एग्जांपल और ये याद भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको अगेन रिपीट कर दूंगा, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।